So yes, finally, with lots of ups and downs, I have more than 1,000 people who trusted me and became part of my journey. I haven't expected that in such a short span of a time, you people will shower this much love on me, especially through your comments and responses in all the videos. Thank you so much for your extreme love and support. कुछ लोगों के लिए मे बी 1,000 इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, बट इट वॉज अ स्मॉल ड्रीम फॉर मी टू एड 1,000 पीपल इन माई लाइफ. सो आई कैन प्राउडली से दैट आई अचीव्ड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. And now I'm assured with one thing that मैं कुछ new plan कर रही हूँ जो हमें हमारी life में upgrade करेगा togetherly you and me. And I have more than 1,000 people to support me on this also. Prima facie ये journey लग रही होगी 2 या 3 महीने की, but it's not a conclusive one because मेरी ये journey 1 साल पहले ही start हो गई थी. जब मैं घर से आई थी तो मेरी financial condition इतनी stable नहीं थी, so to support myself financially मुझे job करनी पड़ी so that मैं funds accumulate कर पाऊँ अपनी UPSC journey को support करने के लिए. And job करते करते ही मैंने ख्वाबाई start किया. मैंने बहुत मेहनत की सब कुछ manage करने की, job, UPSC preparation, college studies और ख्वाबाइस. And it was getting extremely difficult for me to manage all this thing at one time, but I kept on doing. हर दिन खुद को push करके करते गई. My first channel was not showing that good response which I wanted, and इससे मुझे बहुत demotivated feel होता था कि I'm doing so much but still I'm getting a little bit of reward. Why? But still then also I had a belief in myself that I will be able to do this. So I was continually working with this hope. But you know, मैं उतना deserve ही नहीं करती थी उस time पे. पता है कैसे? कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ realize की which I want to share with you all. सो मैं वुमेंस डे के दिन पार्क में योगा कर रही थी एंड बैकग्राउंड में कुछ फंक्शन चल रहा था जिसमें एक सॉन्ग चल रहा था जो आप सबने सुना होगा. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. तो जब मैंने ये सॉन्ग सुना ना, तो मैंने अपने माइंड में एक चीज रियलाइज की कि जैसे इस सॉन्ग में बोलते हैं कि भगवान खाते नहीं हैं, भगवान सोते नहीं हैं, बिकॉज हम लोग शबरी के जैसे बेर नहीं खिलाते हैं, यशोदा मैया की जैसे सुलाते नहीं हैं. तो उसी तरह लाइफ में भी होता है, जब हम एक ड्रीम देखते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है एंड उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, बट हम लोग उतना कुछ कर ही नहीं पाते हैं जितना उसको रिक्वायर्ड है. उस चीज़ के लिए हमने उतने एफर्ट्स डाले ही नहीं होते हैं. जब तक हम हमारी कैपेबिलिटीज उस चीज़ को जितनी चाहिए उतना नहीं एनहांस कर पाते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाते हैं. एंड यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी. मैं इतनी ज़्यादा डिजर्विंग नहीं थी कि मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिल पाए, एंड जिस दिन मैं डिजर्विंग बनी उस दिन मुझे इतना सारा प्यार मिल गया. तो ये रूल आपकी लाइफ की ना हर एक चीज़ से एप्लीकेबल होता है. जिस दिन जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हो, 10 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल एंड मेनी मोर. तो अपनी ड्रीम्स के हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाओ और इस चीज़ को पाओ. एंड ये चीज़ यहीं खत्म नहीं होती है. लाइफ में एक गोल अचीव करने के बाद हम अपना लेवल अप करके दूसरे टारगेट्स रखते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, एंड हम इस कंटिन्यूस साइकिल को फॉलो करते हैं जिससे हमारी इंप्रूवमेंट होती है, हमारी ग्रोथ होती है. एंड इफ विल नॉट फॉलो इट, वी विल बी स्टक एट सेम प्लेस इन आर लाइफ. सो नाउ एनालाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर गोल एंड वर्क ऑन दैट. होपफुली यू विल अचीव इट. I'm grateful to each and every people who find me in this large world. I'll try my best to come up with your expectation and I hope you will keep sharing your love and khwabais. Also, feel free to suggest anything in comment section. Agar mujhe lagta hai ki ye pure heart se kisi ne mere liye suggest kiya hai, so surely I'll implement that in my life. Thank you so much for watching. Keep smiling and keep shining high in the sky. Bye-bye.